कहा यह जा रहा है कि लगभग एनडीए के सभी दलों में प्रत्याशी तय हैं, बस कुछ सीटों पर मंथन जारी है जिस वजह से देरी हो रही है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि 23 मार्च को एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। एनडीए में हुई इस देरी को लेकर विरोधियों ने भी तंज कसा। बिहार की सारी 17 सीट्स को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने क्लियर कर दिया। बीजेपी के 17 नाम तय, प्रत्याशियों का नहीं हुआ ऐलान। क्या समीकरण से होगा ऐलान? होली के दिन ही बीजेपी ने कह दिया कि बिहार में उनके प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन ऐलान एक साथ किया जाएगा। यानी तीनों दल एक साथ बैठकर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। बिहार की सारी 17 सीट्स को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने क्लियर कर दिया है। ऑल 17 सीट्स ऑफ बिहार हैव बीन क्लियर्ड बाय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। वी हैव सेंट दैट नेम टू स्टेट इलेक्शन कमेटी एंड द एनडीए एज अ ग्रुप विल रिलीज द बिहार 17 सीट्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। कल सेकेंड हाफ में हम लोगों की तरफ से फिर प्रेस वार्ता होगी और उसमें किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार होंगे, उनका क्या नाम है, क्या है, सब पूरी पूरा जातीय समीकरण बैठा के 40 लोकसभा सीट का हम लोग कल घोषणा करते हैं। तो क्या सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने ऐलान नहीं किया? सियासी समीकरण देखकर यही लगता है, क्योंकि बिहार में इस बार बीजेपी के खाते में 17 सीट आई हैं। इन सीट पर जो उम्मीदवार अभी तक तय किए गए उनमें अगड़ी जाति के नेताओं का वर्चस्व है। अगड़ी जाति से जो उम्मीदवार हैं उनमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, राजकुमार सिंह, राजीव प्रताप रूडी, सुशील सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनके अलावा अश्विनी चौबे, गोपाल जी ठाकुर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आते हैं। बिहार में अगड़ी जाति सिर्फ 15% है। वहाँ बीजेपी के 17 में से 9 उम्मीदवार इन्हीं से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा में भी पार्टी पर अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का आरोप न लगे इसलिए जेडीयू के उम्मीदवारों के साथ अपनी सूची जारी करेगा। जेडीयू के ज्यादातर उम्मीदवार पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति से होंगे तो एलजेपी के खाते में 3 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं वैशाली और नवादा सीट पर अगड़ी जाति के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा खगड़िया सीट को लेकर अभी भी पार्टी में मंथन जारी है, लेकिन एनडीए को लगता है कि वो मोदी के नाम और विकास के काम के सहारे चुनाव में जा रही है, जिसका फैसला जनता करेगी। मुंह से पहाड़ नहीं गिरते, उसके लिए भी इंतजाम करना पड़ता है। इनको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी एक हिमालय और हिमालय की तुलना सिर्फ हिमालय से की जा सकती है, ये छोटी मोटी पहाड़ी अपना दिखाते रहे। ये तो चुनाव के बाद ही नहीं, मेरे बोलने और उनके बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। ये तो जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा किसका गठबंधन, किस जनता गठबंधन कौन है। लेकिन विरोधियों को तो लगता है कि एनडीए के पास उम्मीदवारों की कमी हो गई है, यही वजह है कि उन्हें देरी करनी पड़ रही है, नहीं तो ऐलान काफी पहले कर दिया जाता। तो देखना क्या है, जहाँ भीड़ भाड़ ये नहीं है, कैंडिडेट दूसरे दलों से खोजा जा रहा है, तो उसको जो भी लेट हो रहा होगा कैंडिडेट खोजने में हो रहा होगा, बाकी सब चीज तो रेडी है उन लोग। पहले अपने कर लेंगे तब ना 2-4-5 दिन के बाद कहेंगे कि महागठबंधन में लड़ाई है, अभी तक उनके सीट का घोषणा नहीं हुआ। जब खुद नहीं किए हैं तो हम पर कैसे कह सकते हैं हम देर कर रहे हैं। दरअसल इस बार बिहार में समीकरण साधने में हर पार्टी जुटी है। जातिगत हिसाब से देखा जाए तो एनडीए ने वही किया, हर सीट पर समीकरणों को देखा और फिर जाकर फैसला किया, ताकि चुनाव के वक्त जनता के सामने जाने में दिक्कत ना हो, खासकर अगड़े पिछड़ों के सवाल पर, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो जीत हार तय करता आया है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।